खरगोन के निमा मोटर्स ग्रुप ने हर साल की तरह इस साल भी बप्पा को रैली के रूप में निमा मोटर्स पर लाकर विराजित किया। गणपति बप्पा को रैली के रूप में मार्केट से निमा मोटर्स परिसर में लाकर विराजित किया गया। संस्था के टेफे सेल्स मैनेजर वीरेंद्र सोलंकी ने बताया कि बप्पा हर दुख हर लेते हैं। कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से बिजनेस में पीछे हो रहे थे, इस बार गणपति बप्पा की कृपा रहेगी। मुख्य रूप से जितेंद्र यादव, विनय चौहान, तुलसीराम कर्मा, राजीव खान, शेर खान और समस्त निर्माण ग्रुप स्टाफ उपस्थित रहा। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। निर्माण मोटर परिवार की तरफ से आज श्री गणेश जी को लेने के लिए पूरे ग्रुप से हम लोग वाहन रैली के द्वारा उनको लेने के लिए जा रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से कोविड के कारण इस प्रकार के आयोजन नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार भगवान गणेश जी की कृपा है और सब कुछ नॉर्मल है, तो उसी को देखते हुए बड़ा उत्साह है निमाड़ परिवार में। और क्योंकि हमसे पूरी जनता भी प्रेम करती है, तो उनके प्रेम को ही सम्मान रूप में देने के लिए आज हम गणेश जी को लेने के लिए सब परिवार निमाड़ मोटर परिवार जा रहे हैं। आज विराजेंगे श्री गणेश जी, तो आपके पूरे ग्रुप में एक ही जगह बिठाते हैं कि अलग अलग? बिल्कुल, ये उत्साह का है और पूरे संस्थान में उत्साह रहता है। सारे गणेश जी की प्रतिमाएं साथ में आती हैं और सभी जगह पूजा अर्चना होती है और पूरे ये 10 दिन बप्पा से प्रार्थना करते हैं कि व्यापार उद्योग में हमको बहुत बड़ा अच्छा लाभ हो। और ये बोस हमारे से अरुण यादव जी का भी आशीर्वाद है कि इस तरह निमाड़ परिवार के लिए और निमाड़ की जनता के लिए वो समय समय पर इस तरह के आयोजन के लिए हमें प्रेरित करते रहते हैं। धन्यवाद। जैसा कि 2 साल से कोविड को लेकर पूरा बिजनेस पिटा रहा है, तो आप बप्पा से क्या प्रार्थना करोगे? जी बिल्कुल, ये निमाड़ की जनता और निमाड़ परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि व्यापार उद्योग बहुत अच्छा हो, सभी संपन्न हो, खेती से इनकम इस बार बहुत अच्छी हो, फसलें किसानों की अच्छी हो और इसी के उज्ज्वल भविष्य के हम लोग कामना करते हैं। क्या नाम लिखते हो आप? वीरेंद्र सिंह सोलंकी, निमाड़ मोटर्स खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।